बहुत साल पहले की बात है, दिसंबर की एक सर्द रात में एक जंगल में पहली बार बर्फ गिरी तो बंदरों का एक झुंड कोने में दुबक के बैठा हुआ था। उनके मुखिया ने कहा, क्यों ना हम भी इंसानों की तरह आग जला के तापें। तो आनन फानन में पत्ते इकट्ठे किए गए। अब जरूरत थी बस एक चिंगारी की, तो इतनी देर में उनको हवा में एक चिंगारी भी दिख गई। तो मुखिया ने कहा कि अरे लपको, इसको पकड़ो। वहीं पे एक चिड़िया भी बैठे हुए ये सब देख रही थी, तो वो बोल पड़ी कि अरे ये चिंगारी नहीं, जुगनू है। अब इससे पहले बाकी के बंदर उसकी बात सुन पाते, मुखिया ने चिड़िया को चुप करा दिया कि चुप, तू हमें ज्ञान मत दे। तो बंदरों ने बड़ी मशक्कत करके जुगनू को पकड़ा। बेचारे जुगनू को पत्तों के नीचे झोंक दिया गया और बंदर लगे अब उससे फूंक मारने। अब चिड़िया से रहा ना गया, वो फिर बोली कि अरे ये जुगनू है, तुम इस पर जितनी मर्जी फूंक मार लो, आग नहीं लगेगी। तो हाँफते हुए बंदर उसकी बात सुनते इससे पहले फिर मुखिया ने उसको धमकाया, चिड़िया ये हम बंदरों के बीच का मामला है, तू होशियार मत बन। चिड़िया फिर चुप। अब घंटों बीत गए, ना आग लगनी थी ना आग लगी। चिड़िया हमारी दबंग थी, वो बोल पड़ी मैंने तो पहले ही कहा था कि। उसकी बात पूरी होने से पहले मुखिया ने उसकी गर्दन दबोची और बीच वाक्य ही चिड़िया की कहानी खत्म कर दी। तो बंदरों ने यही निष्कर्ष निकाला कि पत्ते शायद गीले रहे होंगे और उनकी किस्मत में आग है ही नहीं। समाज रूपी इस जंगल में कथाकार कलाकार चिड़िया का किरदार निभाते हैं, और जो पावर में है, पैसे वाले हैं, लोगों पे अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसकी आवाज को दबाते हैं। तो अगर लोग भी बंदरों की ही तरह पहले कलाकार की आवाज को फिर उसके गले को दबता देखेंगे और चुप रहेंगे, तो अंततः चारों ओर सर्द रातों में ठिठुरते बंदर ही नजर आएंगे और चिड़िया एक ना बोलेगी। पर अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो भूल जाइए जो स्कूल में सिखाया गया कि बोलना मना है, आज से चुप रहना मना है।